सैन फ्रांसिस्को में पब्लिक हरिनाम संकीर्तन हो रहा था। एक वहां पर मार्केट में टमाटर बेचने वाला आदमी था, कीर्तन की ध्वनि सुन के उसको एलर्जी होता था, तो जैसे ही वो कीर्तन पार्टी पास आता टमाटर उठा के मारता था। उसका रोज का यही काम था, और जैसे ही टमाटर मारने लगता भक्त लोग दूर चले जाते। तो एक दिन जैसे ही वो पास आए तो ये टमाटर उठा के मारने के लिए तैयार था। तब एक भक्त अपने हाथ में प्रसाद लेके उसके पास गए, तो उसने देखा कि ये कुछ देने आ रहा है, तो टमाटर नहीं मारा, देखते हैं क्या है। भक्त ने प्रसाद दिया, बोले ये क्या, बोले खाओ, बोल के चला गया। भक्त लोग जो है जानते हैं क्या कितना समय रुकना है, प्रसाद देके निकल गया। और वो उस समय का बड़ा फेमस स्वीट था, सिंपली वंडरफुल, तो उसको खाया, ऐसा लगा कि पूरा विस्फोट हुआ अंदर। वो ढूंढने लगा किधर गया किधर गया। अगले दिन प्रतीक्षा कर रहा था कीर्तन पार्टी कब आएगा। जैसे कीर्तन पार्टी आया वो हाथ में वो लेके भागा, बोला ये दिखाऊंगा तभी वो मिलेगा। तो वो डिवोटी फिर अपने हाथ में वो लेके आया, हाँ बोला हाँ आओ आओ आओ। फिर उसको खाया, और फिर वो भक्त जा रहा था, बोला पकड़ा, अरे रुको रुको, ये आइटम मैन्युफैक्चर किधर होता है, वो अपने मंदिर में होता है, बोला मेरे को चलना है, आओ मेरे साथ। मंदिर लेके गए, भरपूर खिलाया, बाकी भी प्रसाद खिलाया। उसके बाद रोज ये भक्त एक पूरा बक्सा सिंपली वंडरफुल लाकर इसको दे के जाता था। एक साल बाद रथ यात्रा हुआ, रथ यात्रा में जितना प्रसाद के लिए टमाटर था सब इसने डोनेशन दिया। जगन्नाथ जी जानते हैं कि वो पहले दिन से डोनेशन दे रहा है मार मार के, तो भगवान ने कहा क्या मार रहे हो, तुम्हारा एक भी टमाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की तो बड़े विस्तृत रूप से प्रसाद वितरण का विचार किया, और प्रभुपाद जी ने आरंभ के दिनों में प्रसाद वितरण पर इतना बल क्यों दिया। और आरंभ के दिनों में प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को चार नियम के ऊपर भी ज्यादा प्रतिबंध नहीं किया। प्रभुपाद जी ने ये भी नहीं कहा ये मत करो वो मत करो, प्रभुपाद जी ने यही कहा प्रसाद पाओ। और प्रभुपाद जी अपने हाथों से बनाकर खिलाते थे, यहां तक कि जब आरंभ में जब पहला विवाह प्रभुपाद जी ने करवाया, मुकुंद महाराज अभी जो हैं और जानकी, मुकुंद और जानकी का विवाह, तो उसमें प्रभुपाद जी ने स्वयं अपने हाथों से कुकिंग किया। और उस समय मुकुंद महाराज के उस समय के कई मित्र आए थे जो लोग मैक्रोबायोटिक डाइटिंग करते थे, केवल बिना पका हुआ भोजन जो सामान्य उसको खाना, रेगुलर सलाद विलाद ये वो सब। तो उनमें से कुछ लोग आकर प्रभुपाद जी के बनाए हुए फीस्ट को देखे, पहले तो बोले नहीं नहीं अपने डाइट के विरोध में, लेकिन उसका सुगंध इतना भयंकर था, बिल्कुल मिसाइल की तरह अंदर घुस रहा था। तो उसमें से एक ने कहा भाड़ में गया मेरा डाइट, उतर गया। उसका प्लेट भरा हुआ देखकर दूसरे ने कहा मैं भी ट्राई करता हूं। देखते ही देखते सब टूट पड़े, और उनमें से एक व्यक्ति जो प्रभुपाद जी के बनाए हुए कचौरी को अपने मुंह में रखा, जिस क्षण कचौरी का संबंध उसके जिह्वा के साथ आया उसी क्षण उसने निर्णय लिया जिसने भी ये कचौरी तैयार किया है मेरा जीवन उसके लिए समर्पित।
उसी क्षण उसने निर्णय ले लिया। तो प्रभुपाद जी के कुकिंग में इतनी शक्ति थी। तो सोचिए, प्रभुपाद के हाथ के द्वारा बनाया हुआ भोजन अगर खाने को मिलता तो क्या होता है।